साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय निकाय चुनाव की हलचल चल रही, क्योंकि चुनाव यहां होने वाला है। पहला चरण 4 मई को, दूसरा चरण 11 मई को, और 13 मई को परिणाम आएंगे कि शहर में सरकार किसकी बन रही है। खैर, यहां निकाय चुनाव की बात करेंगे तो यहां पर वर्गों की बात भी करनी लाजमी है, क्योंकि अगर वर्गों की बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव की व्यवस्था पर पिसने चलने कैसे लगेगा। भाई, व्यवस्था इसलिए क्योंकि यहां पर समान वर्गों को अधिकार प्राप्त है। जो सरकार होती है, जो शहर की सरकार होती है, जो नगर की सरकार होती है, सरकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपने अपने वार्ड का, अपनी नगर पंचायत का, अपने निगम का विकास करना, उसको लेकर लगातार जो व्यवस्था है, योजना है, वो चलती रहती है, समीक्षाएं भी चलती रहती है और तमाम तरह के फंड और योजनाएं यहां पर आती रहती है। जैसे स्मार्ट सिटी की बात करें, स्वच्छता मिशन की बात करें, या इज्जत घर की बात करें, खैर यहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो मुस्लिम वर्ग, जिसको लेकर सभी लोग बोलते हैं कि वर्ग हमारा है, सपा बोलती है हमारा परंपरागत वर्ग है, बसपा बोलती है हमारा वर्ग है, ये हमारे साथ है, बीजेपी सम्मेलन कराती है, पसमानदा सम्मेलन कराती है और कहते हैं अब ये वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ है, और कहीं ना कहीं इस वर्ग को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। पर वर्ग को लेकर यह काम कौन करता है, वर्ग के लिए मेहनत कौन करता है और वर्ग के लिए खड़ा कौन होता है, ये सब जानते हैं। द्रविड़ कहने की राजनीति है और यहाँ पर शायद अब मुस्लिम वर्ग को पता चल चुका है उनकी उनके लिए असली जो पार्टी वो कौन है, असली पार्टी कौन है, कोई नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि यहाँ पर जो भी सरकार इनको लाभ देगी वही इनकी पार्टी है, जो सरकार इनके लिए बेहतर काम करेगी वही इनकी पार्टी है। क्योंकि अगर इनको लाभ नहीं मिलेगा, बातों का यहाँ पर इनको परिणाम नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इस वर्ग को छलने की बात हमेशा कही जाती रही है। खैर, आबादी बड़ी है, 20% ज़्यादा आबादी है और तमाम जगहों पर बहुतायत में मौजूद है और वहाँ पर समीकरण स्पष्ट कर देते हैं, जीत भी एकतरफा कर देते हैं, तो इस वर्ग को नकारा नहीं जा सकता। और इसको लेकर अगर हम देखें तो तमाम तरह के बीजेपी ने बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रत्याशी उतारे हैं, बसपा ने यहाँ तक कि 11 मेयर प्रत्याशी, 17 नगर निगमों में केवल 11 मेयर प्रत्याशी मुस्लिम वर्ग से उतारे हैं, सपा ने 5 मेयर प्रत्याशी उतारे हैं मुस्लिम वर्ग से, और तमाम तरह के सैकड़ों प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के द्वारा भी हैं। खैर, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी को लेकर जहाँ कहा जा रहा था कि मुस्लिम वर्ग को यहाँ पर बहुतायत रूप से यहाँ पर प्राथमिकता नहीं मिलेगी, तो ये आंकड़े मैं आपको बता दूँ, जब ये बात कही जा रही थी, सम्मेलन कराए जा रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि अगर इस वर्ग की बात चल रही है तो इस वर्ग को यहाँ पर प्रमुखता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, और यही चर्चा का विषय है, और चर्चा का विषय यही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर हम चर्चाओं की बात करते हैं, अगर हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर किसी वर्ग को बेहतरी की बात करते हैं, तो केवल टिकट देने तक की व्यवस्था क्यों, योजनाओं में व्यवस्था देना जरूरी है। हालांकि बीजेपी सरकार कहती आई है कि हम जिस वर्ग की बात करते हैं, हम जिस वर्ग को व्यवस्था करते हैं, हम सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। खैर, यहाँ पर ये वर्ग किसको वोट देगा, इस वर्ग के प्रत्याशी को यहाँ पर कितना जनाधार मिलेगा और इस वर्ग के प्रत्याशी कितना यहाँ पर लाभ उठाएंगे, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात स्पष्ट है कि फिलहाल राजनीति में इस वर्ग को कोई नकार नहीं सकता है और सभी वर्गों, सभी पार्टियों ने यहाँ पर इस वर्ग को टिकट दिए हैं, प्रत्याशी उतारे हैं, और स्पष्ट करती है कि व्यवस्थाओं को बेहतर करने की जो कवायद यहाँ शुरू हुई है उसको बेहतर ही करेंगे। पर यहाँ पर इस वर्ग को लेकर बातें कही जा रही हैं, इस वर्ग को लेकर कही जा रही हैं चीज़ें, कही जा रही हैं, बताई जा रही है, और सभी बता रहे हैं कि हम इस वर्ग के हितैषी हैं, सब बोलते हैं, पर इस वर्ग के लिए लड़ना कोई नहीं चाहता, संघर्ष करना कोई नहीं चाहता है। वो आज तक तो आप स्थिति देख रहे हैं कि केवल जो राजनीति है वो ट्वीट के माध्यम से होनी शुरू हो गई है, राजनीति केवल ट्वीट के माध्यम से, राजनीति व्यवस्थाओं के माध्यम से, और राजनीति बिना संघर्ष के, बिना धरातल के, पर राजनीति करते रहो, ट्वीट कर दो, अगर कोई बात होती है, कोई एनकाउंटर होता है, कोई सियासत होती है, किसी बुलडोजर चलता है, किसी घर जलता है, तो यहाँ पर राजनीति केवल ट्वीट के माध्यम से होती है। और फिलहाल भारतीय राजनीति में यही हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर, उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर मुस्लिमों पर दांव बसपा ने लगाया है, सपा हमेशा से मुस्लिम वर्ग को यहाँ पर प्राथमिकता देती आई है, और बीजेपी ने भी इस वर्ग को प्राथमिकता देकर स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी भी इस वर्ग को अब अपने पाले में करने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि 80-20 की राजनीति की चर्चा आम होती रहती है,
पर बीजेपी का कहना है कि ये जो राजनीतिक बातें हैं ये विपक्ष करता है और भारतीय जनता पार्टी की केवल एक नीति रही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और फिलहाल उसी नीति पर चलते हैं। सैयद मोहम्मद तक हंस रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि क्या कारण है। खैर मैं आपको आज से मेहमान से रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, बृहस्पति के रूप में यहाँ पर आमिर साबरी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से प्रवक्ता आपसे सैयद मोहम्मद तक अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा विवेक श्रीवास्तव, विवेक भाई टिकट दिए आपने भी, बसपा ने 11 मेयर उतार दिए हैं, ये तो मैं आंकड़ा केवल मेयर का बता रहा हूँ, सपा ने 5 उतारे हैं, आपने भी यहाँ पर सैकड़ों लोगों को टिकट दिया है पर मेयर प्रत्याशी कोई नहीं बनाया है। खैर आपकी अपनी नीति है, पर जिस तरह से यहाँ विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि बीजेपी 80-20 की राजनीति करती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और इस वर्ग को डरा कर हिंदुओं को एकजुट करकर वोट लेना चाहती है, इस वर्ग के लिए काम नहीं करती है, जबकि आप सम्मेलन भी कराते हैं, बात भी करते हैं और सारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिलता है, कैसे देखते हैं आप? जी, हमने जब पसमांदा समाज के सम्मेलन की शुरुआत की थी, उनके बीच जाना, उनसे बातचीत जी, उनसे संवाद कायम करने की शुरुआत की थी, तब भी विपक्ष हमारे इन प्रयासों के ऊपर हंस रहा था। हमने तब भी स्पष्ट किया था कि जब हम उनके बीच जाएंगे जी, संवाद कायम करेंगे तो उनकी समस्याएं क्या हैं उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे जी, आगे उन समस्याओं के निराकरण हेतु जी हम अच्छी योजनाएं अच्छे कार्यक्रम ले आ सकेंगे जी। उसी समय आपने शायद पूछा भी था हमसे कि क्या इन्हें मौका मिलेगा जी, तो हमने ये भी कहा था कि जो जीतने लायक होंगे उन्हें पार्टी बिल्कुल अवसर देगी। और हमारे यहाँ टिकट की प्रक्रिया होती है, मंडल स्तर से नाम मंगाए जाते हैं, जो जिला कमेटी या महानगर कमेटी जो भी वहाँ विद्यमान होती है उसके माध्यम से अच्छा क्षेत्रीय कार्यालय से होते हुए प्रदेश तक आते हैं जी, और तब उस पर हमारी टीम प्रदेश की जी कोर टीम फैसला करती है। ठीक, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिन जिन नामों पर सहमति बनी जी उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जी चुनाव में मौका दिया है। ठीक, हम ये नहीं देखते कौन किस जाति से कौन किस धर्म से है जी, यदि वो जीत सकता है भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों में उसकी निष्ठा है अच्छा और अपने पार्टी के लिए वफादार है उसकी निष्ठा है तो उसको अच्छा आप एक बात कैसे कह देते हैं विरासत चुनाव में किसी एक को भी टिकट नहीं दिया और कितनी आसानी से आप बोल लेते हैं कि ये पार्टी निष्ठा है, क्या बीजेपी में निष्ठा नहीं होती क्या? नहीं, विधानसभा चुनाव में भी ये देखा जाता है कि कौन सीट निकाल सकता है, कौन जीत सकता है। अच्छा, जहाँ हमें मौका मिला हमने MLC में स्थान दिया, दानिश अंसारी जी एक चेहरा, फिर अभी हमने एक लोग को MLC में स्थान दिया जी, ऐसा नहीं है, हम ये देखते हैं कौन चुनाव जीत सकता है। अच्छा, और हमारे वहाँ के समीकरण के अनुसार हमारी सीट निकल सकती कि नहीं निकल सकती इनके नेतृत्व में, हर पार्टी इसी के आधार पर टिकट देती है जी, कोई ऐसे लोगों को टिकट नहीं देता जिसके माध्यम से सीट न निकले। अच्छा, तो उसी आधार पर सर्वे के आधार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो लोग अब की उस सूची में आए उनको स्थान दिया गया, उन्हें टिकट दिया गया, पूरी पार्टी मिलकर के उनको जिताने का प्रयास करेगी जी। ठीक है, रविंद्र प्रताप सिंह, रविंद्र भाई समीकरण आपको पता है, जानकारी आपको भी है और यहाँ पर फिलहाल इस वर्ग को लेकर जिस तरह से टिकट दिए गए हैं, बसपा ने 11 मेयर प्रत्याशी उतारे हैं, सैकड़ों की संख्या में टिकट भी दिए हैं, सपा ने भी दिए हैं, भाजपा ने भी दिए हैं, वर्ग जाएगा कहाँ? क्योंकि इस वर्ग की बहुतायत भी है और आबादी ठीक ठाक है और कई जगह पर निर्णायक भूमिका में है। आपकी राय क्या है कि जो टिकट दिए गए हैं क्या यही इनके हितैषी हैं? क्योंकि टिकट देना यहाँ पर हितैषी का एक सूचक नहीं है, इस वर्ग के लिए काम कौन करेगा, इस वर्ग को मुख्य विकास से मुख्य धारा में लेकर कौन आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षित करने की जो कवायद लगातार चल रही है उसके लिए प्रयास कौन करेगा? रविंद्र प्रताप सिंह, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा जी कि जिस पार्टी ने विधानसभा में लोकसभा में एक भी टिकट नहीं मिला जी, अब उस मुस्लिम समुदाय को जी निकाय में अगर टिकट दे रही है जी किसी भी आधार पे जी, तो ये हमारी सफलता है कि हम समुदाय के लिए लगातार जी संघर्ष करते रहे हैं जी। अब आती है उनके शिक्षा की जी,
उनके वहां दो प्रकार की शिक्षा है जी। एक तो उनकी अपनी दीनी शिक्षा है जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक रहती है जी, और उसको लेके उनका विरोध भी करती है जी। तो उनकी दीनी शिक्षा और एक जो वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा है जी। हमारे पिछले शासन काल में जी उनकी दीनी शिक्षा के साथ में वैज्ञानिक शिक्षा हमने जोड़ा था जी, और मदरसों में पढ़ाई शुरू हुई थी। अच्छा। इस सरकार ने आने के साथ ही सर्वे करा लिए, सबसे बड़ा आक्रमण मदरसों पे किया। अच्छा। और जैसे सूचना मिली है कम से कम 1000 मदरसे बंद करा दिए जी। इसका मतलब है कि उनको शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। अच्छा। दूसरे शिक्षा का जो विषय है जी, थोड़ा सा रेजोनेंस कम करवा दीजिए जी। दूसरा शिक्षा का जो विषय है जी, यह समाज का एक सबसे गरीब वर्ग है जी, अगर रंगनाथ मिश्रा जी के आयोग को माना जाए तब भी जी। ये स्थानीय जो प्राइमरी स्कूल पाठशालाएं होती हैं उसमें जाके पढ़ सकता है जी। बिल्कुल। एक षड्यंत्र के तहत पूरे देश में प्राइमरी पाठशालाओं की स्थिति बस से बदतर कर दी गई है जी। आज के जो अधिकतम आईएएस होंगे उनमें से 25-30% इन्हीं पाठशालाओं से पढ़ के गए होंगे, लेकिन अब इन पाठशालाओं में पढ़ा बच्चा जी दर्जा 6 में भी भर्ती नहीं हो पाता सरकारी स्कूलों में भी जी। तो उनके शिक्षा का जो उच्चीकरण करना है जी, उसके लिए हमको सरकार में आना ही पड़ेगा जी। फिर उनके लिए हम लोगों ने रोजगार के साधन मुहैया कराए थे। अच्छा। बुनकर के क्षेत्र में, सहारनपुर में लकड़ी के क्षेत्र में, अच्छा 18% आरक्षण की बात, बरेली में रविन भाई जी, मुस्लिम वर्ग के लिए 18% आरक्षण की बात किसने कही थी, मुझे याद नहीं यार, आप बता दीजिए। 18% जी, नहीं 18% नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे, अच्छा सबसे पहले मुस्लिम आरक्षण की बात चली थी आंध्र प्रदेश में 4% की। नहीं नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो आप ही बता दीजिए, क्योंकि 18% देने के बाद में जी जो आरक्षण की सीमा है जी वह एक्सीड कर जाएगी जी। नहीं, मैं तो चर्चा पूछ रहा हूँ, कोई भी जो समझदार व्यक्ति होगा जी, कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा मुझे नहीं लगता स्टेटमेंट दे पाएगा। चलिए ठीक है, आमिर साबरी बताइए। कर्नाटक सरकार ने जी, कर्नाटक सरकार ने 4% दिया था जी, लेकिन फिर वो उसी में एडजस्टमेंट रहा 50% में। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। ठीक है, सच्चाई है। तो आपके मुताबिक यहाँ बीजेपी केवल मुस्लिम वर्ग को ठगने काम करती है, जैसी सत्ता में आई तो मदरसों को बंद करा रही है, 1000 से ज्यादा मदरसे बंद करा रही है, सर्वे कराया और सर्वे के माध्यम से मुस्लिम वर्ग पर यहाँ पर प्रहार किया, और अब यहाँ टिकट देकर नाटक कर रही है, और यहाँ पर विरासत चुनाव में टिकट भी नहीं दिए, यानी बीजेपी मुस्लिम वर्ग की विरोधी पार्टी है आपके मुताबिक, रविन भाई? वो खुद कहते हैं। अच्छा, खुद कहते हैं। अच्छा, हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं, उनकी जो पेरेंट संस्था है भारतीय स्वयंसेवक संघ, वो खुद भी कहती है जी, क्योंकि जब उन्होंने अपनी अस्मिता मुस्लिम के रूप में बना रखी है और संघ और भारत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहेंगे ये हिंदू राष्ट्र है जो संविधान के विरोध में भी है, अच्छा तो वर्ग डर जाएगा, अपने आप ही डर जाएगा जी, किन्हीं परिस्थितियों में। फिर आप अलग अलग कालखंड में अलग अलग कहानी बना के मुसलमानों को डराते हैं जी, और जब उनको अपने जन प्रतिनिधित्व तो नहीं देते हैं जी, तब भी उनके मन में एक भय आता है जी। दो मुसलमान मंत्री केंद्र में थे जी, शाहनवाज जी जी, और दूसरे जो रामपुर से जीते थे जी, मैं नाम भूल रहा हूं उनका। अच्छा। तो उन दोनों लोगों को भी बाहर कर दिया गया जी। तो इससे निश्चित रूप से युवा समुदाय जी, जन अभी मुख्तार नाम था, मुख्तार अब्बास नकवी साहब नाम था जी, तो मुख्तार नकवी साहब को जी, और बिहार वाले जो शाहनवाज जी को हटा दिया गया। आप केंद्र सरकार में एक भी मंत्री नहीं है। अच्छा। जब नहीं मंत्री हैं जी, तो वो समुदाय के अंदर एक भय जाएगा। अच्छा। और फिर जब ये नारे लगाते हैं
डैश 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 काटे जाएंगे अच्छा तो डैश 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 चिल्लाएंगे अच्छा, तो जब ये इस प्रकार के नारे लगाते हैं जी तो उनके बच्चे से लेकर उनकी औरतें तक डर जाती हैं जी। चले फिर जब चुनाव आता है तब क्या पसमानदा और क्या क्या बातें करना शुरू कर देते हैं अच्छा, मतलब मुस्लिम धर्म का जो बेसिस है अच्छा। मेरा एक सवाल रहेगा हजरत भाई, रविंद्र भाई मेरा सवाल है कि बीजेपी इस वर्ग की है नहीं, फिर कौन इस वर्ग का हितैषी है कि बातें वह सब करते हैं भाई। राजनीति है, वादे इल्जाम आरोप तरोप लगते रहते हैं, पर इस वर्ग का हितैषी है कौन? सभी बोलते हैं वर्ग हमारे साथ है, आप भी बोलते हैं कि हमारा एम आई फैक्टरी है, आप भी बोलते हैं, सबको पता है आपका वर्ग इसकी बात आप भी करते हैं, बसपा भी इस वर्ग की बात करती है, बीजेपी भी कहती है कि ये वर्ग हमारा है, हमारे नीचे समझ रहा है, तमाम कानून हम ऐसे लेके आए जिस वर्ग को लोग पसंद कर रहे हैं, वर्ग की महिलाएं पसंद कर रही हैं, तो ये वर्ग है किसका और कौन इस वर्ग का हितैषी है आपको बता पाएंगे? ये प्रश्न है, अगर बुरा ना मानिए तो मुझे छोटा लग रहा है जी, क्योंकि यह समुदाय जो है वो भारतीय है पहले। अच्छा चलिए, आप जब चुनाव के रूप में देखते हैं तो शुरुआती दौर में लगातार यह समुदाय कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, जब यह देश आजाद हुआ था तो 12% प्रतिनिधित्व पुलिस में था, करीब 16% प्रतिनिधित्व जुडिशरी में था, क्योंकि उस समय जुडिशरी उर्दू में चलती थी, और सेना में भी था। आज के डेट में अगर आप स्थितियां देख लेंगे तो एकदम उलट हैं। तो अगर अगर इतना इतना बड़ा प्रतिनिधित्व वाला समुदाय एकदम अलग हो गया, रिक्शे वाला, ठेले वाला, पंचर वाला, अंडा वाला बन गया जी, तो वो पार्टियां बताएं ऐसा कैसे क्या हुआ? अच्छा, जब 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 हम आए हैं शासन में जी, हमने इनका जन प्रतिनिधित्व बढ़ाया है जी, इनकी दीनी शिक्षा को नहीं छेड़ा है, दीनी शिक्षा के साथ में आधुनिक शिक्षा जोड़ा है जी, और इनको आवास के साथ में, पेंशन के साथ में जी, और जितनी भी सुविधाएं हो सकती है जी, प्रयास किया गया उपलब्ध हो। ठीक 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 है, सही मोहम्मद तकी हमारी पार्टी तक बड़ा मुस्कुरा रहे थे, मैंने जब एंकरिंग की, जब शुरुआत की इस डिबेट की, उस मुस्कुरा का कारण बता दीजिए मुझे, फिर चर्चा बाद में करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी कब क्या कहो सा बयान दे दे, उसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, अभी 3 दिन पहले मैंने अमर उजाला में पढ़ा है, न्यूज़पेपर में निकला है कि अमित शाह कह रहे तेलंगाना में जो मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है, बीजेपी की सत्ता में आएगी तो मुसलमानों से आरक्षण छीन लिया जाएगा। अच्छा, और यहाँ यूपी के निकाय के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों की हितैषी बन रही है जी, कहीं ये लोग कहते हैं कि गोवा में क्या कहते हैं कि गाय जो है यमी है, और जब यहाँ आते तो कहते हैं गाय के ऊपर बैन लगना चाहिए, गोश्त बढ़ना नहीं चाहिए, यहाँ गाय मम्मी हो जाती है, वहाँ गाय अभी हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट में कहते नहीं, वहाँ जो है बीफ का गोश्त नहीं मिलेगा और वहाँ कमी नहीं होगी, यहाँ रहते नहीं मिलेगा जी। तो इनके बयान जो है अजीब साहब के बयान है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है जी। ये खुद ही अपने बयानों को जैसे मौसम के हिसाब से पेड़ पत्ते बदलते हैं, ये अपने बयान बदलते रहते हैं, कहीं पर टिकाऊ बयान नहीं है। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, अभी आपके बहुत काबिल हमारे दोस्त हैं विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता, वो कह रहे थे कि जो जीतने की क्षमता रखेगा उसको टिकट दिया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 20% है। अच्छा, और अगर आप जाइए रुहेलखंड साइड जाइए आप, या आप इधर जाइए पश्चिम में जाइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो वहां काफी आबादी है। अच्छा, और मुसलमानों की वोट निर्णायक भूमिका में है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि मुसलमान अगर वोट जीतने वाले होंगे तभी टिकट देंगे, और अन्य दलों में समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस से भारी संख्या में एमएलए जो है जीत के आए हैं। अच्छा, और विधानसभा में बैठे हुए हैं। ठीक, हाँ, इन्हीं के लोगों को जो है मुसलमानों ने हराया, बीजेपी के लोगों को हराया। उसके बाद ये कह रहे हैं, कहने की हिम्मत रखते हैं कि मुसलमान अगर जीतने लायक होंगे तो उनको टिकट मिलेगा। अच्छा, और आज सभासदी के इलेक्शन में बहुत से लोगों को मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, उनका नाम सिर्फ मैंने खुद देखा है अनिल जोगीनाथ जी के ले रहे हैं। तो बीजेपी क्या विचारधारा है बीजेपी को समझ नहीं आता जी। जैसा उसको मौसम लगता है वैसा वो कपड़े बदल लेती है जी, और अपने रंग रूप को डाल लेती है। तो रंग बदलने वाली गिरगिटान को मात क्या फेल कर दिया लोगों ने, गिरगिटान है लोग। अच्छा, गिरगिटान को फेल कर दिया। अच्छा, गिरगिटान परेशान हो, ये कौन आ गया? अच्छा, इतना रंग बदल रहा। अच्छा, कहीं स्टेटमेंट में जो बात कर रहे हैं कोई विचारधारा नहीं है, कहीं मेहमान मुफ्ती से हाथ मिला लेते हैं, उनके साथ सरकार बनाते हैं, कभी उनको आतंकवादी कहते हैं, कहीं भाई बहन मायावती को भ्रष्टाचारी कहते हैं, कभी बहन मायावती जाके घरे लगा लेते हैं, उनको साथ सरकार बना लेते हैं,
तो ये कहीं कुछ भी कर सकते हैं। और एक नाथ शिंदे के सरकार गिरा दी बना दी, हेमंत भाई शर्मा के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वाटर उसी किताबें बांटी और उनको आज मुख्यमंत्री बना दिया उनके सरकार में। बहुत दर्द है आपको, बहुत दर्द है आपको, सही कह रहे हैं आप। मुझे दर्द नहीं, मुझे दर्द नहीं, क्रिकेटर बोल दिया, बड़ी बात क्या होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने क्रिकेटर ने क्या है। ठीक है, दूसरी बात ये अगर मुसलमानों के सही हितैषी हैं ये टिकट दे रहे हैं तो ये तेलंगाना में जाके मुसलमानों को आरक्षण के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। दूसरी बात उत्तर प्रदेश के अंदर 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती टली हुई है। मुलायम सिंह जब अखिलेश यादव की सरकार समाजवादी पार्टी सरकार थी उसके काल में वो जगह से निकली थी, आज 7 साल होने को आए, 7 साल से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद वो उर्दू शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है। और हालांकि उसके उर्दू शिक्षकों में बहुत से ऐसे भी लोग जो मुसलमान समाज ऐसे नहीं है, अल्पसंख्यक समाज ऐसे नहीं है, कई ब्राह्मण भी उसके अंदर है, कई ठाकुर भी उसके अंदर है जो उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं लेकिन उनकी भी भर्ती नहीं हो पा रही है। ठीक है, मदरसों के अधिग्रहण करके नाम के ऊपर उसे बताइए, एक मदरसा इन्होंने अधिग्रहण करके बनाया हो जहाँ कंप्यूटर लगी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब बन गई हो, एक मदरसा ये बता नहीं पाएंगे। और कितने हजारों मदरसे इन्होंने अधिग्रहण के नाम पे बंद कर दिए, वहां कहते हैं वहां आतंकवादी बनाए जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे जिस मदरसों ने एक से एक अच्छे अच्छे APJ अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट दिए, मौलाना अब्दुल कलाम जैसे लोग दिए जिनके ऊपर पूरी दुनिया गर्व करती है, आप कहते हैं वहां से आतंकवादी निकलते हैं। तो क्या लोग हैं, क्या बोलना चाहते हैं लगातार? बीजेपी पता नहीं कहना क्या चाहती है, लेकिन देखिए अगर मैं तो भारत के अंदर बयान जब दीजिए तो लोग पहले आपकी जाति आप अधर्म देखते हैं फिर आपको बयान देते हैं। जी जहाँ ये कहा गया जाति न देखो ब्राह्मण की देखो उसके बोल, जहाँ कबीरदास जी कह गए वहां पे लोगों को पहले जाति देखी जाती है, तो लोगों को बोलना यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, बोलिए तो आप लोग आपके नाम मुंह को ढूंढने लगते हैं। मैं कहना चाहता हूँ किसी भी समुदाय के अगर यह मुसलमान तो 20% ने 20% छोड़ दिए, अगर कोई व्यक्ति एक आदमी भी है, अगर 20 करोड़ की आबादी में एक आदमी भी है जिसका धर्म समुदाय अलग है उसको भी पूरे सम्मान का अधिकार है, उसको भी उसकी भी बात सुनी जाने का अधिकार है, उसको भी समाज में एक्सेप्ट करने का अधिकार है। ये बांट करके राजनीति लड़ना करना ये बड़ी गंदी और ओछी बात है। ठीक है, बृहस्पति का आम आदमी पार्टी हो गया, आपका आगे आपकी बात के साथ खड़ी है, आपकी बात आगे। ठीक है आमिर साबरी, आमिर भाई क्या विशेषण है आपका, बड़े पत्रकार भी है मुस्लिम वर्ग से भी है, क्या राय है आपकी, सभी इस वर्ग की बात करते हैं, इस वर्ग को अब तक क्या मिला है, आपसे बेहतर कौन बताएगा, सबकी समीक्षा कर दीजिए। बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने चर्चा में शामिल किया। देखिए बहुत अच्छा मुद्दा आप लेकर के आए हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के। जी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पहली बार मेरे ख्याल से टिकट दिए हैं और बड़ी तादाद में दिए हैं। जी नगर पंचायत में भी काफ़ी टिकट दिए हैं, मेरे ख्याल से सैकड़ा से ऊपर टिकट दिए हैं, और नगर पालिका अध्यक्ष में भी दिए हैं और सभासदी के 2 तो लखनऊ में दिए हैं। जी जी मैं स्वागत करता हूँ इस बात का। जी लेकिन बहुत अफसोस की बात यह गौरव जी कि इनके जो बयान आते हैं ये टोटल अब तक की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम पर रही है। अभी देखिए विधानसभा के चुनाव में भी ये हुआ था, 11% मुझे वोट मिला, लोकसभा के चुनाव में भी ये मैसेज आए थे बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के दिया था कि 9% वोट मिला। उसके बाद फिर ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया था कि एक विशेष वर्ग का वोट नहीं मिलता, बीच में इस पर आपके यहाँ चर्चा भी हुई थी। तो कुल मिलाकर के ये जो दोहरी दोहरी बातें हैं गौरव जी, इससे तो मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी करीब आएगा। दूसरी बात ये देखिए राजनीतिक पार्टियों की जहां तक हम बात करें तो मेरी नजर में बींगे मुस्लिम बींगे जर्नलिस्ट मान लीजिए कि राजनीतिक पार्टियां सब एक जैसी हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा बुरा इसलिए भी नहीं समझता हूं कि सेकुलर पार्टियां जो हैं जो मुसलमानों का दम भरती हैं, बड़ा सवाल ये कि उन्होंने मुझे क्या दिया। बड़ी बात यह है आप पूरा आप 30 साल का इधर रिकॉर्ड डालिए, जैसे क्षेत्रीय पार्टियां पनपी, कांग्रेस छोड़ दिया, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, समाजवादी पार्टी है और भी अन्य पार्टी क्षेत्रीय दल हैं कि क्या दिया। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बहुत सारी ऐसी बातें कर गए, जैसे उन्होंने कहा 1,000 मदरसे बंद हो गए, मुझे नहीं लगता 1,000 मदरसे बंद हुए ना कोई इसकी ऐसी लिस्ट है, एक बात। दूसरी बात, हालांकि ये जवाब देना चाहिए था विवेक श्रीवास्तव जी को लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। दूसरी बात, उन्होंने कहा एक वर्ग डरा हुआ है, रविंद्र प्रताप सिंह जी से मैं बड़े भाई हमारे एक सवाल करना चाहता हूँ कि मुसलमान कहाँ डरा है, हमारे 40 करोड़ एक लगभग 130 करोड़ की आबादी इस देश के अंदर, 40 करोड़ मुसलमानों से 90 करोड़ हिंदुओं को डरा डरा के वोट लिया जा रहा है। रविंद जी ये आप समझ लीजिए, मुसलमान ना कल डरा था ना आज डरा है और ना भविष्य में डरेगा। देखिए अतीक अपराधी थे, अतीक मार दिए गए एक अलग बात है, ये बहुत घिनौना और घृणित कार्य किया गया है, सरकार की षड्यंत्र मानता हूँ मैं, सब बातें ठीक हैं लेकिन इससे भी कोई दो राय नहीं कि अतीक एक अपराधी था, इससे मुसलमान डरा नहीं है ना, आम मुसलमान के ऊपर कोई सफर
फर्क पड़ा है, आप अच्छी तरह समझ लीजिए। लेकिन ये कहिए कि मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी डरा रही है, तो डरा तो पिछले 70 सालों से मुसलमान को रहा जा रहा है, और ध्रुवीकरण तुष्टिकरण की राजनीति आज की नहीं है, ये जब देश आजाद हुआ था उसके 2 साल बाद 1949 से तुष्टिकरण की राजनीति इस देश में शुरू हो गई थी, जब बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई थी। तो ना तो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं शुरू हुई है, ना ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं शुरू हुई है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके हिंदुत्व की और मैदान में आ गई। लेकिन ये कहिए कि सारी पार्टियां आपकी ही पार्टी के मुखिया हैं, अखिलेश यादव जी अतीक के मर्डर पर उन्होंने अतीक का नाम नहीं लिया है, जितने भी ट्वीट कर रहे हैं अब तक, और ट्वीट जो है तमाम वायरल भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि वायरल नहीं हुए। तो कुल मिलाकर के जो नेता मुसलमानों का नाम लेते शर्मा रहा हो या डर रहा हो, आप एक वर्ग के डरने की बात कर रहे हैं, इससे शर्मनाक बात रविंद्र जी भाई साहब और नहीं हो सकती है कि मुसलमान न कल डरा था, मैं फिर कह रहा हूँ ना आज डरा है ना भविष्य में डरेगा। मुसलमान सिर्फ अपने रब से डरता है, अल्लाह से डरता है, बाकी किसी से डरता है। मैं इकला आता हूँ इकला जाता हूँ, और जो बात ईमानदारी की मुझे लगती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी खिलाफ हो, या किसी अन्य पार्टी खिलाफ हो, मैं बोल के जाता हूँ, मैं इसमें कतई लगी लिप नहीं रहता। ये गौरव भाई भी जानते हैं, तमाम जिन जिन चैनलों में बैठता हूँ सब जानते हैं मेरे बारे में कि मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ, मुझे कतई मौत का खौफ नहीं रहता है। मौत बराक है, 500 साल जी लेंगे तब भी मरना है, 1000 साल जियेंगे मरना है, 10,000 साल कोई नहीं जिया है, ज्यादा ज्यादा इस दौर में 100 साल की उम्र होती है, इससे ज्यादा भी नहीं किसी हो सकती रविंद्र जी। तो आप ये मान के चलिए मुसलमान ना कल डरता था ना आज डरा हुआ है। हाँ 40 करोड़ से 90 करोड़ को भारतीय जनता पार्टी लोग जरूर डरा डरा कर रख रहे हैं, लेकिन एक अच्छा काम इस बार किया है कि उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया। हालांकि सबका साथ सबका विकास के नारे की थोड़ी सी झलक इस बार दिखी है, लेकिन उसके बाद भी एक मैसेज जो दिया जाता है गौरव जी, ये बहुत खराब है कि हम मुसलमानों को डरा कर रख रहे हैं या मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, या एक मैसेज के मूल्य टाइट चल रहे हैं। ये सब बातों से ही हिंदुत्व को इकट्ठा एकत्र करके ध्रुवीकरण की राजनीति गौरव जी होती आई है, और भी पार्टियां करती रही हैं, आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं राजनीतिक पार्टियां सब मेरी नजर में एक जैसी हैं। मुसलमानों से मैं अपील तो नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी जुड़े, लेकिन ये सच है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे करे, देखिए राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में आती है तो सबका चेंज हो जाता है। इस वर्ग का है कौन, देखिए वर्ग का हितैषी सब अपने अपने यहाँ पर बात, सब इस वर्ग का कोई हितैषी नहीं है गौरव जी, सब मेहनत करते हैं, सब खाते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा बहुत स्पष्ट है, मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं, अगर कुछ थोड़ा बहुत 70 साल में मुसलमानों को दिया है तो मैं जो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सिर्फ मायावती ने दिया है, बाकी किसी ने दिया मुसलमान। मायावती को यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है बेबी भाई जी, सबका सुन लिया, जवाब आपको देना है, सत्ता पे आसीन है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैंने किसी को नहीं टोका, मुझे पूछा कि ये लोग भी उस धैर्य पूर्वक जवाब को सुनेंगे, अच्छी बार बोले तो धैर्य पर सुनेंगे, खराब बोले तो बोलना पड़ेगा, सबको बनता है। मुसलमानों के हितैषी होने का दावा सबसे पहले हमारे मित्र रविंद्र जी ने किया है, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन चुकी है जी। जिस 18% रिजर्वेशन की बात की थी आपने जी, वो चर्चा मुलायम सिंह यादव जी ने ही की थी जी, और उसके ऊपर जो टिप्पणी रविंद्र जी ने की है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, वो पार्टी में अपने खुद जवाब दे होंगे जी। और मुसलमानों का कितना सम्मान समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ पिछले दिनों जी, मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ जी, तो मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों के लिए शरणार्थी शिविर बनाया गया था जी, जिसमें मुसलमानों के 60 बच्चे जी ठंड से बुखार से तपके मर गए, वो तब मरे जब अखिलेश यादव सैफई के एसी कैंप में आलिया भट्ट का डांस देख रहे थे। और उस 60 मौतों का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी की सरकार में जी SDM तो छोड़ दीजिए, SDM के एक चपरासी को भी सस्पेंड न किया गया, अगर किया गया हो तो साबरी साहब बैठे, रविंद्र जी बैठे, कोई नाम बता दें, मैं दोनों लोगों का स्वागत करूंगा। आगे बढ़िए, मैं सपा का प्रवक्ता नहीं, आप पत्रकार तो है, आप पत्रकार है, जानकारी तो आपको होनी चाहिए ना। उसी कालखंड में एक घटना और घटी, एक हमारे गांव के बगल का लड़का 35 साल बाद मुस्लिम का लड़का लोक सेवा आयोग क्वालिफाई करके डिप्टी SP बना, जियाउल हक नाम था। अच्छा अच्छा, इन्हीं की सरकार में एक मंत्री की छत्र छाया में जी उसकी हत्या कर दी गई जी, और जो हत्या का मेन मुलजिम था जी उसी को अभी इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में गुलशन यादव को विधानसभा का टिकट दिया था। ये तो समाजवादी पार्टी और मुसलमानों के संबंध, रुक जाइए और बता देता हूँ। बहराइच में एक मुस्लिम प्रधान जिसकी इतनी बड़ी दाढ़ी थी उसको चप्पल से मारते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पे सारे
चैनलों पर वायरल हुआ, सबने देखा है, तो मुसलमान कितना गर्व महसूस करते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, कितने हिमायती रही समाजवादी पार्टी, ये सब जानते हो, सब कुछ बताने जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाइए, जो हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बड़ी आइडियोलॉजी बता रहे थे, 45 करोड़ बंगले के सजावट पे खर्च हुआ है, 8-8 लाख के पर्दे लगे। अब 8 लाख के पर्दे से क्या पर्दा करना चाह रहे थे, बता सकते हैं, और वो पर्दा भी काम ना आया। शराब घोटाले की जो चार्जशीट दाखिल हुई उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम आ गया, और 45 लाख करोड़ के खर्चे काम आए, 8 लाख के पर्दे काम आए, तिरंगा लेके निकले थे तिहाड़ में, मसाज पार्लर तक पहुंच गए। और अब नई बात ये आ गई, जो कहते थे हम कोई सुविधा नहीं लेंगे, कोई मकान नहीं लेंगे, कोई कमरा नहीं लेंगे, वो 45 करोड़ रुपया अपने आवास के साथ सज्जा पे खर्च कर चुके, और उसका जवाब हमारे तकी साहब बहुत बेहाई से मुस्कुरा के दे रहे हैं। जनता का पैसा है, देखिए वो जैसे दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, ये देश की जनता का पैसा, अभी वो क्रिकेटर बोल दिए थे, बोल रहे बिहार, हम उनकी किसी बात का, हम आप सुन लीजिए, हम उनकी किसी बात को नकार नहीं रहे हैं। आपने जो कहा जी शर्माते, मुस्लिम आरक्षण का हमने तेलंगाना में कर्नाटक में समाप्त कर दिया, आप तो तेलंगाना की बात करें, जब तेलंगाना में आएंगे वहां भी समाप्त करेंगे, वो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारतीय संविधान के तहत किसी को धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। हम भारतीय संविधान का अक्षरशा पालन सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। हमने कर्नाटक में समाप्त किया, तेलंगाना में समाप्त करेंगे। आप लाग लपेट में बात नहीं करते, लीजिए हम जो बात करते हैं डंके की चोट पे कहते हैं भाई। और सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती है, तुष्टिकरण किसी का नहीं करती, तुष्टिकरण के किसी के नहीं करते हैं। तो आप आइए साथ, देखिए कौन डराता है, कौन जूते से मार रहा, किसके समय में डिप्टी एसपी की हत्या हुई, किसके समय में मुसलमानों के 60 बच्चे मर गए, ये कौन डरा रहा है, कौन हिंदुओं का डर मुसलमानों को दिखा रहा है, कौन मुसलमानों का डर हिंदुओं को दिखा रहा है, सारी चीज जनता जनार्दन के सामने है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के पीछे लामबंद, ये भी सत्य बात है। अच्छा, मुस्लिम वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क बढ़ा रहा है, हमारी वहाँ भी आमदरफ्त हो रही है, उनकी आमदरफ्त हमारे लोगों तक हो रही है, ये उसका परिणाम है कि आज उनको एक बड़ी संख्या में 350 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है जी। और इसके सकारात्मक परिणाम होंगे तो ये चीजें और आगे बढ़ेंगी। अच्छा, और जिस नाम पे इन्होंने टिप्पणी की, शाहनवाज हुसैन बिहार में मंत्री रहे जी, हमारी सरकार गिरने तक बिहार की जी, तो कोई उन्होंने हटाया नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण मंत्री पद से हटे, 3-3 लगातार कार्यकाल हो चुके थे हमारी पार्टी कुछ नियम बढ़ नेताओं में। लेकिन विवेक जी, आज की तारीख में केंद्र में भी आपका कोई मंत्री मुस्लिम नहीं है, ये बड़े अफसोस की बात है, अफसोस ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। सांसद नहीं तो मंत्री नहीं है, नहीं वही तो कह रहे, तो राज्यसभा भेज सकते थे, आपकी फुल प्रचंड बहुमत है। उत्तर प्रदेश में भी राज्यमंत्री, कैबिनेट वहाँ भी नहीं है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो नहीं हो सकती। ये शर्मनाक ये नहीं है साबरी साहब, शर्मनाक ये है कि आपका ग्राम प्रधान जूते से मारा जाता है, शर्मनाक आपका ये है कि 60 बच्चे आपके, उस बात पर हमने आपकी टिप्पणी कोई करी नहीं, सुन लीजिए, शर्मनाक भाई वो है नहीं तो है नहीं। शर्मनाक तो ये है कि जो प्रधान थे उसको जूते से मारा गया, शर्मनाक तो आपके 60 कौम के 60 बच्चे मर गए, शर्मनाक तो आपके ये कि आपकी कौम का डिप्टी एसपी हत्या कर दी गई और उसी को समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है, शर्मनाक ये भी है, शर्मनाक ये है क्या? जो आनंद योगी दास ने बयान दिया था मुस्लिम महिलाओं को लेके, महिलाओं के साथ क्या करना चाहिए, कल कोर्ट के, वो बयान शर्मनाक नहीं था? कौन सा बयान कहाँ कोर्ट करे, मुझे उसकी जानकारी, जब आप उसे डिटेल के साथ बैठेंगे उसमें डिबेट हो जाएगी। आपसे ज्यादा अच्छी जानकारी बिल्कुल, उस डिबेट के डिटेल के साथ जानकारी इस बात की, अगर उस डिटेल के महिलाओं को लेकर बयान दिया था, अगर उस डिटेल, जब कर्नाटक में आप मुस्लिम महिलाओं से हिजाब छीन रहे थे, उनके पास से आप हिजाब उतार रहे थे, तब आपको याद नहीं है बयान?
कहीं कोई हिजाब नहीं उतर रहा था, हिजाब की परमिशन उस विद्यालय के अकॉर्डिंग नहीं थी, उसका फैसला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है, उस पर अब कोई चर्चा का विषय नहीं है। अगर आप उसमें फिर से डिबेट करना चाहते हो, उसमें कानूनन ये क्लियर हो गया कि इस्लाम का अंग हिजाब नहीं है, इस्लाम का अरे आप 45 करोड़ का ऐसा है। देखिए हर चीज को आप धर्म की आड़ देना चाहते हैं, हर चीज को आप धर्म की आड़ देना चाहते हैं। आप तो बताते हैं कि अरे आप बड़े सीधे हैं भाई, वाह। नहीं नहीं रुक जाइए, आप हर चीज को धर्म की आड़ देना चाहते हैं। तमाम चीजों में सुप्रीम कोर्ट में तय हो चुका है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न पार्ट नहीं है, ये भी आ चुका। ट्रिपल तलाक पे भी आपने बात की थी, आपने तो बाबरी मस्जिद में भी बताया था कि वहाँ इस्लाम मुसलमानों का हिजाब तो मुसलमान मर्दों के लिए भी है। ये आप जो यहाँ बैठ के बता रहे हैं, ये इससे आप अदालत को तो मुतमइन ना कर सके। ये बिल्कुल है, ये चीजें आप अदालत को मुतमइन न कर सके। यहाँ अब आपके हमारे चर्चा का कोई औचित्य नहीं है, जहाँ करना था वहाँ किए होते तो हो सकता फैसला आपके पक्ष में आता। अच्छा ठीक है, ये तो आपने तमाम मौसरों पे कहा, किसने क्रिएट किया, किसने महिलाओं के साथ छेड़खानी की हैदराबाद में, ये तो आपने तमाम मौकों पे कहा। 45 करोड़ का पहले हिसाब दे दीजिए, वो 8 लाख का पर्दा क्या छिपा रहे, पर्दा बड़ा हो गया, क्या दिक्कत है, अच्छा पर्दा होगा, क्या समस्या है जी, अच्छा पर्दा होगा, समस्या क्या। देखिए अरविंद केजरीवाल का पर्दे की कीमत तो करोड़ रुपए की है, क्योंकि उसके पीछे अदानी का घोटाला छुप गया, सत्यपाल मलिक ने बयान दिया तो छुपा जा रहा है। अच्छा नहीं नहीं, आप सारे विषयों पर चर्चा कराए, हम चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन ये बताइए कि 8 लाख के उस पर्दे से 35-45 करोड़ का पैसा क्या केजरीवाल का था, या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का था, या देश की जनता का था। अरविंद केजरीवाल के घर की पर्दे की कीमत कम लगा रहे हैं, अच्छा वो करोड़ों का पर्दा है, करोड़ों पर्दा उसके क्या करोड़ों अदानी घोटाले छुप गए, अच्छा वो करोड़ों की करोड़ों से क्या छिपा रहे हैं हम, अच्छा शराब घोटाले का पैसा छिपा रहे हैं, सत्येंद्र जैन कर छिपा रहे हैं, या चंद्रशेखर से लिया माल छिपा रहे हैं, राष्ट्रीय ठग चंद्रशेखर से लिया हुआ माल छिपा रहे हैं क्या उस 8 लाख के पर्दे से, तो क्या छिपा रहे उस पर्दे में, उस पर्दे से क्या पर्दा कर रहे हैं, वो तो करोड़ रुपए का, उस पर्दे से क्या पर्दा कर रहे हैं, कहाँ पर्दा डाल रही है आम आदमी पार्टी, का बयान ढकले, जो पर्दा डिग्री ढकले, उस पर्दे से क्या पर्दा कर रहे हैं, वो पर्दे से बीजेपी अपना मुंह ढक रही है, बीजेपी ने लगा तो आपके घर में है, लगा तो आपके घर में है, लगा तो केजरीवाल जी के घर में है, वहाँ बताओ क्या ढक रहे हैं, पर्दा आप क्या लगाए, बीजेपी ढक रही है, ये तो इनकी भाषा है, ये कुछ भी कह सकते हैं, लगा तो केजरीवाल जी के घर में, वहाँ क्या ढक रहे हो ये बता दो आप, छुप तो बीजेपी रही है, लगाए घर में आप छुप हम रहे हैं, अरे तुम तो उस पर्दे के बाहर उसको नोचने के लिए खड़े हैं, अब तो उस पर्दे में आग लगाने के लिए बाहर खड़े हैं, ठीक है रविंद्र भाई बोलेंगे, ठीक है रविंद्र भाई, जी रविंद्र भाई बीजेपी प्रवक्ता ने जी वर्तमान विधानसभा में जी 34 MLA मुस्लिम समुदाय के हैं जी, 32 समाजवादी पार्टी के हैं, 111 में से जी 2 राष्ट्रीय लोक दल के हैं जी, 34 के 34 MLA हमारे गठबंधन के हैं जी। दूसरा प्रश्न रेज किया आमिर भाई ने जी, कि मैंने कहा मुसलमान डरे हुए हैं, कभी भी नहीं कहा मैंने जी, अभी उदाहरण दूंगा, मैंने कहा डराया जाता है उनको जी, मुसलमान ऐसे नहीं डरे हुए हैं जी, और न कभी भी डरेंगे, CA NRC के विरुद्ध जी सबसे बड़ा आंदोलन मुसलमानों ने आजादी के बाद किया जी, पूरे भारतवर्ष में जी, लखनऊ के हजरतगंज चौक पे ही गोलियां चलवा दिया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा जी, तब भी नहीं डरे, कहां गोली चली थी उसके विवेक सियासत को, कहां गोली चलवाए थे विवेक सियासत, उसके बाद फोटो लगा दी गई जी, विवेक सियासत बोले कहां गोली चलाई गई थी, कहां गोली चली थी रविंद्र जी, जी कहां गोली चली थी लखनऊ में हजरतगंज पे, क्या कहां की तथ्य इन बातें कर रहे, कहीं गोली नहीं चली थी लखनऊ के किसी उसमें, लखनऊ अभी तो आप अभी तो मैं लखनऊ कह के चुप हो रहा था जी, जिसमें
एक प्रमुख अधिकारी को बंद किया, दारा करके कुछ नाम था आईपीएस अधिकारी जी। दूसरा कानपुर में भी चलवाया था इन लोगों ने जी। अब कानपुर में तो मृत्यु भी हुई थी जी। अब आइए पूरा पूरा एजिटेशन किया रवीन जी, अपडेट होके आया करिए, मजा नहीं आता इस तरह से अगर आप कहानी बुझाते रहेंगे। नहीं बोला, झूठ बोल रहे हैं आप, तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। चलिए चलिए बीच में मत बोलिए, अच्छा रहेगा। नहीं बीच में नहीं बोल रहे, लेकिन आप थोड़ा विषय पे बात करें, बुझौनी मत बुझाइए कि वहाँ चली थी, वहाँ फलाने मर गए, वहाँ पकड़े गए फलाने। मैं तो नाम जब बता रहा हूँ, गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया कि नहीं दिया, जियावल हक हत्याकांड का मुख्य मुलजिम है कि नहीं गुलशन यादव। अगर आप बीच में बोलने के लिए अपने अपने योग्यता समझ रहे हैं तो ये गलत है। हम रवीन जी योग्यता की बात नहीं कर रहे, हम आपसे जवाब मांग रहे विनम्रता पूर्वक, गुलशन यादव जियाउल हक हत्याकांड का मुख्य मुलजिम था कि नहीं था, है कि नहीं है, आपकी पार्टी ने टिकट दिया कि नहीं दिया। भाई भाई जवाब देंगे, आप जवाब देंगे, बोलिए बोलिए अपने, बोलिए बोलिए। और पूरे भारतवर्ष में हुआ, मुसलमान नहीं डरे हुए जी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी डर गई। अच्छा, पस्ते में डाल दिया CNRC जी। अब इन्होंने कहा, विवेक जी ने जी, कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, 6 लोग मारे गए जी। मुजफ्फरनगर दंगा भारत के माथे पे एक कलंक है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम पलायित हुए, 2.5 लाख से ज्यादा जी। सब के रहने खाने पीने साबुन नहाने तक की व्यवस्था की गई हम लोगों ने जी। फिर उन्होंने पूछा, किसी को सस्पेंड किया गया हो तो बता दें जी। तत्कालीन DM थे सुरेंद्र सिंह, उनको सस्पेंड किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने फिर उनको वहां का कमिश्नर बना के भेज दिया मेरठ का। जी 60 बच्चे जो मुसलमानों के मरे शरणार्थी शिविरों में, उस पे किसको सस्पेंड किया? आप बीच मत बोले, दर्द मैं कुछ और बता रहा हूँ, दवा आप किसी और की दे रहे हैं। दंगा आपके शासन काल में हुआ, 60 बच्चे जो मुसलमानों के मरे, उस पे किसको सस्पेंड किया? क्यों है ये बता दीजिए। बोले बोले, सत्यता सुनने में भी डरते हैं क्या ये? अरे भाई आप बताइए ना, आप चुप कराएंगे इनको? सुन लीजिए, बोलिए अपनी बात, बोलिए बोलिए, सुन ले ये, बोलिए सुन ले। मैं केवल इनके बात का जवाब दे रहा हूँ, मैंने इनको नहीं टोका जी, मैं किसी के बीच में बोलने का बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते, बहुत सभ्यता से। लेकिन इनको परेशानी क्या है सुनने में? ये बोले आप झूठ बोल रहे हैं इन्होंने तो। आप सुनिए, कांग्रेस के जमाने में मलियाना कांड हुआ था जी, 67 लोग मारे गए थे जी, मलियाना में नदी के किनारे जी। अभी चार्जशीट दाखिल हो गई हाई कोर्ट में, उसमें यह कह दिया गया किसी ने किसी को नहीं मारा। वो जो 67 लोग मारे गए थे, लगभग 37 साल हो गया जी, उनको किसी को न्याय नहीं मिल पाया। और ऐसी कौन सी चार्जशीट कि 67 लोग मारे गए और मारने वाला कोई भी नहीं? वहीं पर हाशिमपुरा कांड हुआ था जी। लेकिन हाशिमपुरा कांड में PSC वालों को सस्पेंड भी किया गया और PSC वाले चार्जशीट भी हुए, उनको सजा भी हुई जी, क्योंकि वो चार्जशीट पहले दाखिल हो गई थी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में चार्जशीट दाखिल होती है मलियाला कांड की, किसी को भी सजा नहीं मिलती है। ये विश्व का प्रथम कांड है कि 67 लोग मारे गए और किसी को सजा नहीं मिली। ठीक है तो ये जो आरोप लगाते हैं, इनके आरोपों का सारा जवाब हमने दिया। अच्छा ठीक है, और मुसलमान ना डरे हैं, ना डरे हैं, ना किसी पार्टी की बेवकूफी है। आप बात करिए फिर अमर भाई के लिए। रवीन जी मैंने आपसे पूछा था जी, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, दंगे के बाद शरणार्थी शिविर जो आप लोगों ने चलाए, उसमें जो मुसलमानों के 60 बच्चे मर गए जी, ठंड से बुखार से जी, उन जो आपकी पनाह में थे जी, उस मौत पे आपने कौन सी जांच बैठाई जी? किस SDM को सस्पेंड किया है, उसके चपरासी को जवाब है क्या तो बता दे। एक चीज, गुलशन यादव जी, जियाउल हक हत्याकांड के मुख्य मुलजिम को आपने कुंडा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया कि नहीं बनाया जी? अगर न बनाया तो आप कह दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ जी, मैं आपकी उस बात को स्वीकार करूंगा जी। बराइच में मुस्लिम प्रधान को आपके विधायक ने जूतों से पीटा कि नहीं पीटा जी? आप बता दे कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ जी, मैं उसको अपनी कमी स्वीकार कर लूंगा। मैंने 3 प्रश्न आपसे उठाए थे, आप मुसलमानों के हिमायती बनते, बहुत आपका उसी माई फैक्टर पे पूरी राजनीति है। हम कोई ऐसी माई की राजनीति नहीं करते ना, हम कोई हिमायत बनने की बात करते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, ये भी कहते हैं तुष्टिकरण किसी का नहीं। आप तो उसी फैक्टर को लेके चलते हैं और आपके ही शासन काल में सारी घटनाएं मैं बता रहा हूँ। आप बता दें कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी बात आपके बातों को अगर
पत्रकार मित्र बैठे हैं साबरी साहब, वो प्रमाणित करते हैं कि तुम्हें शर्माते लूंगा कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। रविंद्र भाई चलिए जवाब दीजिए, एक मिनट में। रविंद्र भाई तीन सवाल लिए उन्होंने आपसे, सबसे प्रश्न पूछा इन्होंने, मैं जवाब दे दूं क्या? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए आप जी। इन्होंने कहा कि जियाउलहक साहब मरे जी, हमने क्या किया? तो सबसे पहले तीन लोग आरोपित थे, उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया, उनकी श्रीमती जी को जी सबसे पहले डीजीपी कार्यालय में जॉब दे दिया। यादव रविंदर जी मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे जी, ये बता दें। आप बीच में बोलिए मत, अब क्या बीच में बोले, अब आपसे पूछ रहा हूँ, बातें बोलिए, कहाँ से कबूतर आप खा से खरगोश बता रहे हैं। अरे आप बताइए, गुलशन यादव रविंद्र जी अभियुक्त थे, समाजवादी पार्टी ने अभी टिकट दिया था नहीं दिया था? जवाब दे रहे, जवाब दे रहे हैं आप, पूछ कुछ रहा हूँ बता कुछ रहे हैं। गुलशन यादव चुप रहिए ना फिर जी, एक बार समझिए विवेक जी, सुन लीजिए, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, चौथी बार से फिर कहीं भी होइएगा तो आप बोल नहीं पाइएगा फिर। ये वो तो समाजवादियों का चरित्र है, ये गुंडई उनके स्वभाव में होती है। मैं आपके गुंडे पने की कदर करता हूँ, जानता हूँ आप गुंडे लोग हैं, कुछ भी कर सकते, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे उसका उत्तर दे दीजिए। गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी हिंदा से थे कि नहीं थे, और जियाउल हक हत्याकांड के मुख्य मुलजिम थे कि नहीं थे? साबरी साहब आप बता दीजिए, इन्हें बताने में शर्म आ रही है, आपको बताने में शर्म आ रही है, साबरी साहब बतवा दीजिए जी, साबरी साहब आप बता दीजिए, चुप कराइए। नहीं भाई आपको शर्म आ रही बताने में, इनको चुप कराइए, आप बताइए बताइए, गुलशन यादव मुख्य अभियुक्त थे कि नहीं थे जी? हमारे अंदर बाहर कुछ नहीं, हम लोग तो खुला खेल फरुखाबादी वाले हैं, जो अंदर वही बाहर बताते हैं, जितना बोलना बोलिए। बिल्कुल आप, आपको दो मिनट, दो मिनट दीजिए रविंद्र भाई, अपनी बात पूरी करिए, समय हो रहा है, बोलिए रविंद्र भाई पूरी करिए, बोलिए। और हमने 2.5 लाख मुसलमानों को पूरी सिक्योरिटी के साथ दिया जी, क्या दिया? बताया कि एक सुरेंद्र सिंह को सस्पेंड किया था, इन्होंने कमिश्नर बनाया जी, और श्रीमती जियाउल हक को हमने सम्मान दिया डीएसपी बनने के कारण, गुलशन यादव को भी दिया आपने, रहूंगी गुलशन यादव को भी सम्मान दिया आपने विधानसभा टिकट देकर। एक कांड बता रहा हूं मैं आपको जी, मोहन मुंडेरा में एक कांड हुआ था जी, जिसमें जिसमें सजा हो गई जी मुख्यमंत्री जी के आदमी को, कपिल सिंह को, ठीक है ठीक है, उस कांड में 16 मुस्लिम, पूरे मुस्लिम गांव को ही, मोहन मुंडेरा गांव को जला दिया गया था जी, मुस्लिम बाहुल गांव था जी, और उसमें सजा हो गई 18% रिजर्वेशन की बात किसने की थी रविंदर जी? ऐसे ही मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर 18% रिजर्वेशन की बात उत्तर प्रदेश में कौन नेता करता था? चलिए ठीक है, हो गया, सजा होनी शुरू हो गया, हो गया हो गया हो गया। एक विकास सैनी जेल में गया, बाकी 16 है वो भी जेल में जाएंगे, ठीक है ठीक, इन्होंने वो मुकदमा वापस ले लिया, ठीक है ठीक है, मुसलमान की हितैषी होते हुए हम कह रहे हैं हितैषी का दावा तो आप करते हैं, हम तो कह रहे हैं करते, अब ये जवाब दे मुकदमा क्यों वापस लिया? हम तो किसी करते हो गया, दंगाइयों करते मुकदमा क्यों वापस? आखिरी कमेंट रामेश भाई, कमेंट स्थानीय मुद्दे जी, मुजफ्फरनगर की कांड के चर्चा ना हो, स्थानीय मुद्दे पर चर्चा हो, 8 लाख का पर्दा, 45 करोड़ की सजावट, इसमें चर्चा नहीं होगी? चलिए ठीक है, आखिरी कमेंट हो गया, अरे भाई मेरा हो गया, हाँ मेरा हो गया, फ्रस्ट्रेशन आप बताए, अब मैं टर्न पे बोल चुका, चलिए ठीक है, हो गया हो गया हो गया, अब नहीं, अब नहीं हो गया, अमर भाई ये बताएं, आपने मुझे सब पता है, मुझे सब पता है कौन कितने पानी में, प्लीज अमर भाई अपनी बात पूरी, मुझे पता है, इसको पहले रुकवा दीजिए, पहले तभी हम बोले कुछ। देखिए सपा भाजपा की नूरा कुश्ती है कि तुमने ये किया और हमने किया, गौरव जी 2022 समाजवादी पार्टी को कोई कुछ समझ नहीं रहा था, और जितना कांग्रेस ने एनआरसी सीए को लेकर मेहनत करी थी, समाजवादी पार्टी कहीं नहीं दिख रही थी एनआरसी, बात ईमानदारी की है। दूसरी बात आ जाइए, लेकिन चुनाव आते आते चुनाव को एकदम हिंदू मुस्लिम करके और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी बना दिया गया, गौरव जी सारे के सारे किनारे लग गए, बसपा भी किनारे लग गई, कांग्रेस भी किनारे लग गई, खैर आम आदमी पार्टी तो बहुत बड़ा वजूद था नहीं, मैं कुछ राष्ट्रीय पार्टी नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है मैं मान लेता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस टाइम कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को
मतलब बिल्कुल मुख में लाकर के रख दिया गया, वही स्थिति अब आ रही है। देखिए पिछले बार में लोग जो मेयर की सीटें थी 16 थी, अब इस बार एक बढ़ गई है 17 हो गई है। आम आदमी पार्टी शहजादपुर में तकी भाई सुन लीजिए, अरे तकी भाई सुन लीजिए बोल लीजिएगा, अरे तो 16 में से 2 बसपा जीती थी मेयर की और 14 बीजेपी जीती थी, 3 बीजेपी ने जबरिया छीन ली थी। इस बार मायावती ने 11 सीटें मुसलमानों को दी है, तो जाहिर सी बात है कि अब इस बार कुछ ना कुछ तो बदलाव हो ही होगा गौरव जी। लेकिन ये जो नूरा चिश्ती है और मुसलमानों का वोट सपा में और हिंदुत्व का वोट बीजेपी में, ये जो कहने का जो एक षड्यंत्र चला जा रहा है गौरव जी, बहुत शर्मनाक है। और इस पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सारे मुसलमानों से भी और हिंदुओं से भी कि ये हिंदू मुस्लिम चुनाव ना करके जो वास्तव में अगर सही कैंडिडेट है उसको जिताएं, तो मैं समझता हूं बेहतर होगा। ठीक है, आप सबके इस कार्यक्रम में जुड़ने के बाद चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो गया भाई। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी, चर्चा थी कि मुस्लिम वर्ग की बात सब करते हैं, आप प्रत्याशी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी, जितनी बड़ी पार्टी है सबने यहाँ पर टिकट दी है और स्पष्ट किया है कि इस वर्ग के हितैषी हैं। फिलहाल इस वर्ग का हितैषी कौन कितना है ये सारे वर्ग भी जानता है और जनता जनार्दन भी जानती है, खबरन बीज भी जानते हैं और राजनीतिक दल भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वर्ग के लिए बात तो बहुत होती है पर इस वर्ग को मुख्य विकास की धारा में लाना कोई नहीं चाहता, इस वर्ग को शिक्षित करना कोई नहीं चाहता, इस वर्ग के लिए संघर्ष करना कोई नहीं चाहता है, उस वर्ग की बात करना कोई नहीं चाहता है। अगर वर्ग को दर्द होता है तो राजनीति केवल ट्वीट से होती है, राजनीति ट्वीट से करेंगे और प्रत्याशी अपनी पार्टी से उतारेंगे। ये जो चलन है कहीं ना कहीं ये सभी वर्गों के लिए खतरनाक है। वर्ग से अलग, धर्म से अलग सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सब भारतीय हैं और विचारधारा के साथ हमें सभी वर्गों के लिए काम करना चाहिए और सभी वर्ग को यहाँ समान अधिकार के लिए लड़ना भी चाहिए। वर्ग कोई भी हो, अगर किसी भी गलत हो रहा है तो उसके लिए सभी को संघर्ष करना चाहिए। एक वर्ग को लेकर अगर आप राजनीति करते रहेंगे कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो भी खराब होगी और परिणाम है वो भी खराब आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसकी खूबसूरती यही है कि सत्ता भी हो, विपक्ष भी हो और राजनीति भी हो, स्वच्छंद वाली, संघर्ष वाली, धरातल वाली। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।